वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम इंस्टाग्राम के यूजर नेम कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि आप अपना यूजर नेम कोई कारणवश चेंज करना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं आता या कुछ भी, मतलब कि आपको लगता है कि इसे चेंज करना चाहिए। तो चेंज करने के टाइम आपका वहाँ पर चेंज नहीं होता है, मतलब कि आपका जो नाम है वो अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे एक लिखा हुआ आता है ब्लैक कलर का। तो वो किस तरह से हम ठीक करेंगे, कैसे हम अपना यूजर नेम चेंज करेंगे इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही छोटा, तो इसे शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो गाइस मेरा नाम है अरुण और चैनल का नाम है पीके अरुण टेक्निकल। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को अपना मोबाइल की स्क्रीन में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे अपना मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ पे हम अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हमने कर लिया है ओपन। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है, आपका जो लोगो है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इसमें हमने क्लिक कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं नाम चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, और सेकंड नंबर में यहाँ पे यूज़र नेम चेंज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं यूज़र नेम। तो चलिए यहाँ से हम इसे हटा लेते हैं। और यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कोई भी हम यहाँ पे नाम अगर रखते हैं तो क्या नाम रखें हम यहाँ पे, चलिए अरुण ही कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अरुण हमने किया, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ आ गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ और यहाँ पे डॉट अगर लगा देते हैं तो देख सकते हैं अभी भी नहीं आ रहा है। तो अरे अगर डॉट लगा देते हैं तो अब भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं तो देख सकते हैं तब पर भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह का नाम पहले से ही इंस्टाग्राम पर मौजूद है, मतलब कि यूज़र नेम बना लिया गया है। तो इंस्टाग्राम में एक ही नाम, एक मतलब कि एक ही बार एक नाम यूजर नेम बनेगा, एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं मिलेगा, मतलब कि उस तरह मतलब वो नाम का दूसरा और यूजर नेम नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको नंबर ये सब आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये लगाए तब पर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस तरह करके आपको मतलब कि हमेशा ट्राई करते रहना पड़ेगा कि आपका कौन सा नाम मतलब अभी तक नहीं बना है, उस तरह का नाम आपको यहाँ पे ले। तो यहाँ पे अपना सरनेम भी ऐड कर सकते हैं, तो सरनेम चलिए हम अपना ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने लगाया तब पर भी नहीं आ रहा। तो इसके बाद यहाँ पे हम कुछ नंबर भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर दे दिया, तो ये मतलब कि ब्लू टिक यहाँ पे देख सकते हैं हो गया है, इस नाम का कोई यूज़र नेम नहीं है। तो इस तरह करके आप अपना ट्राई कर सकते हैं। तो डॉट भी दे सकते हैं, स्लैश भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। आपका नाम का अगर आप आज तक नहीं बना है तो सिर्फ नाम से ही आपका बन जाएगा इस तरह का। तो चलिए हमारा जो पहले से ही था 360 वही हम कर देते हैं, क्योंकि सब कोई हमारा जानते हैं कि हमारा जो 360 है, कोई भी अगर सर्च करेंगे तो 360 में मतलब रहेगा तो आ जाएगा। दूसरा यहाँ चेंज कर देंगे तो जिनको नहीं पता है वो उनको दिक्कत होगा। तो हमारा पहले से यही था तो यही रहने देते हैं। तो इस तरह करके आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।